वेंकट यूपी के फतेहपुर जिले में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की किताबें कबाड़ियों को बेची जा रही है। नौनिहालों को मुफ्त में दी जाने वाली किताबों को शिक्षक बेच कर किला खा रहे हैं। सरकारी किताबें बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मचा है। डीसी संजय कुमार कुशवाहा ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। वीओ फतेहपुर जिले के विजयपुर ब्लॉक के चितनपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में तैनात हेड अध्यापक हरिशंकर मिश्रा पर आरोप है कि वह बच्चों को वितरित होने वाली किताबों को कबाड़ी के हाथ बेचकर किला खरीद रहे हैं, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कबाड़ी के हाथ बेची गई यह किताबें इसी सत्र यानी 2/02/03 में बच्चों को दी जानी थी। प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीण ने बताया कि हेड अध्यापक करीब 14 सालों से इस विद्यालय में तैनात है और यहीं पर रहते हैं। रविवार को अवकाश होने के कारण उन्होंने विद्यालय से सरकारी किताबें निकाल कर बेच डाली। आज का मैटर ये था कि आज रविवार का दिन है, स्कूल बंद था, मगर हरिशंकर मास्टर साहब यहाँ पर जो हेड मास्टर हैं, वो स्कूल की किताबें बेच करके केला वाले के हाथ बेच रहे थे और केला खा रहे थे और कुछ पैसा भी लिया केला वाले से। सभी ग्रामीणों ने देखा, गांव के लोग, और देख करके सब पकड़ा, केला वाले के बयान लिए, वीडियो भी बनाया और सब किताब रखा ली। किताब बेचने का दावा किया जा रहा है, सब क्या काम है? वो जो आप जिस वीडियो वायरल की बात बता रहे हैं वो मेरे संज्ञान में आया है और संभवतः वो विजयपुर की किसी प्रकरण किसी विद्यालय का मामला है। तो उस संदर्भ में हमने खंड शिक्षा अधिकारी विजयपुर के लिए जांच करने के लिए निर्देशित किया। आज वो स्कूल गए भी होंगे, उनकी जो रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर जो है जो कार्रवाई नहीं होगी।